सुबिया सुगरे के वावे दुए प्रकार कर्म कही जे सुबिया सुगरे के वावे कर्म नहीं मार हटाओ ई उस्व कर्म ने रे मार हटाओ शुद्ध कर्म रे से तावे गुराज भी उन परेम जालो भावे उपरानी रे कशीरवद खूंटे मियारा नीर कशीरवद खूंटे ले सायर वाली आवे गुराज भी उन परेम जालो भावे रूपी कीट पकड़ घर लावे आप करूँ मेरा भमर स्वरूपी कीट पकड़ घर लावे लब जोड़ा भमरे मगन होने बेटा लब जोड़ा भमरे मगन होने बेटा जरा छोड़ नहीं जावे गुराज भी आप करूँ मेरा उम्र शुरू की रही किस पकड़ घर लावे देखना जाने शब्द सुनावे देखना जाने कोई हमारी उड़ी जावे गुराज भी ना उन परेम जल पावे उपरा नीर किसी रज खूटे म्यारा नीर रज खूटे ले सायर वाली आवे गुराज भी उन परेम जल पावे स्वरूपी रही भ्रवास नारे ले आप करूँ मेरा कुछ स्वरूपी रे भ्रवास नारे ले लपजोड़ा भमरे मगन हुए बेटा लपजोड़ा भमरे मगन हुए बेटा जरा छोड़ नहीं जावे गुराज भी उन परेम जल पावे बारा नीर किसी वद खूंटे मियारा नीर किसी वद खूंटे जेले सायर वाले आवे गुराज भी उन परेम जल पावे थारा हस्ती रे हस्ती ने साल सिखावे हिमारा मावद में थारा हस्ती रे हस्ती ने साल सिखावे ज्ञान ध्यान राय दे दे भाला ज्ञान ध्यान रे दे दे भाला अंग सदे होले तावे गुराज उन परेम जल पावे उपारा नीर किसी वद खूंटे मियारा नीर किसी वद खूंटे ले सायर वाली आवे गुराज भी उन परेम जल पावे आ दूध में गिरत में दिल माए लाली रे ज्ञान गुरा से माए लाली ज्ञान गुरा शेरे आवे गिरदारे लाला परेम रा प्रिया सा गिरदारे लाला परेम रा प्रिया सा
गुरु शरणे सुत पावे गुराज गुण पड़े मेल रानी रे किसी वज खूटे रानी रे किसी वज खूटे आबूरी जगह पहली ब्रह्म खाड़े थी। अरे तो अन ब्रह्म खाड़े कोरे कोरे सब ऋषिया री झूपड़िया थी। अरे और ऋषिया रे आश्रम रे माते हरेक ऋषि रे आश्रम माते एक गा रहे थे। अरे क्योंकि गा पूजा रे लिए सही जे गौरो दूध है घी है गोमूत्र है गौरो गोबर है सब कामिया थे। अरे ऋषि मुनिया रे आश्रम माते हरेक ऋषि रे आश्रम माते एक गा रहे थे। अरे तो अन जगह जिते आबू है अन जगह ब्रह्म खाड़ थी कोरे कोरे सब ऋषिया री झूपड़िया थी। अरे तो ऋषि मुनि है दंदरा वे गायन ने सरवारे हारू सोड़ता। अरे वे जाती गायन सरती सरती जाड़ी उन कोई न कोई गाय जो कोई एकत्र बीजे ब्रह्म खाड़ में पड़ती। खमा अने ऋषि मुनि विचार किधो रे ब्रह्म खाड़ ने कोई करिन बूरा तो ठीक वे पण ब्रह्म खाड़ का तो घणी उड़ी वे। अरे तो ए ऋषि है तपस्या करे ना सब पहाड़ है मोटा मोटा। अरे नीलगिरी है हिमाचल है। अरे और एड़ा एड़ा जो पहाड़ है। अरे आबू है गिरनार है। अरे भूरा करे एड़ा जो पहाड़ है उन्होंने पहली वसनाम लीधा। अरे उन्होंने बोलाये तपस्या करे मोटा मोटा पर्वत है उन्होंने बोला कियो कि भाई ये कोई न कोई हमारा उपकार करो के ब्रह्म खाड़ में कोई पड़ी ना ब्रह्म खाड़ ने बूरो। अरे तो जितना जो पहाड़ है था मोटा मोटा वे हैं पूरा नटिया के ब्रह्म खाड़ तो माने भी आ गए। अरे तो ओ आबू है ओ हैंगो छोटो तो। अरे बीजा ने तो मोटा मोटा पर्वत है उन्होंने राजा री पदवी है। अरे के हिमाचल राजा ओ फलाणो राजा। अरे ओ आबू है जो छोटो छोट भाई थी आबू विसार की तो ए तो हैंग दुरिया ब्रह। अरे अने क्यों ऋषिया ने क्यों देखो मुंह आब्रम खाड़ बूरू। अरे पण मने थोड़ा दिन महादेव जी की तपस्या करनी पड़ी। अरे शिव जी जो मने साथ दिए शिव जी रो सहारो वे तो मैं ब्रह्म खाड़ में पड़ सकू। अरे तो अने आबू है जो पहली है जो महादेव जी तपस्या की दी। अरे महादेव जी प्रश्न है आबू ने वरदान दी दो के जा तुम ब्रह्म खाड़ में पढ़ और वो ऋषियों रो उपकार कर। अरे जो शायद तुम ब्रह्म खाड़ में प्रोगी हो तो मुँह थने सहारो दो। अने आबू आबू महादेव जी ने प्रश्न किया महादेव जी किया जा आबू थू जो प्रोज जाए प्याल में तो मने याद करे मुथने सारो दू। तो जनते में आबू पासा ऋषि मुनियन के देखो मैं ब्रह्म खाड़ बूरू पण मने अतरी वात्रा वरदान दियो कि एक तो वारो वार मारे माते बारिश वरसाद वेणो सही जी एक मने राजा री पदवी देनी के आबू राज। अरे दोर तीजी बात है कि जत्री वनस्पति है मरवा जीववा तक जो बूटी जड़ी बूटी है वह सब वनस्पति अडारे बार वनस्पति मार माते वेणी सही जगह जड़ी बूटी नहीं है एड़ो आबू मत नहीं वेणो सही। एक बात आए कि जत्रा ऋषि मुनि और देवी 33 करोड़ देवता हमारे ऊपर वास वेणो सही जी। एक बात आ है कि कोई मारे ऊपर आवे श्यार दिन बिले तपस्या नहीं करे तो वनो भजन है वनो तीर्थ यात्रा की दौड़ी कोई कामयाब नहीं वे। अरे अत्री बात मैंने वरदान दियो पसे मैं ब्रह्म खाड़ ने बोलू। तो ऋषि मुनि तथा आज तू किधर है जा आबू राज आज थी थने आबू राज री पदवी बारो बार थारे माते वरसाद और जत्री जड़ी बूटी वनस्पति जत्री थारे माते सूखती हुई और 33 करोड़ देवता ने थारे ऊपर वास हुई जरे आबू है जो अन ब्रह्म खाड़ रे मैं पढ़ियो ने। अरे तो पहलो भाग आबू रो के शार भाग नमा है जमीन में। अरे तो महादेव जी वरदान दियो के पहलो निचलो भाग है वो होनार हो जाए। अरे सपन प्याले आबू सोवनो शंकर पेड़ी छड़िया। अरे वारी वारी आबू धाम ने नाया प्रक्षत झड़िया। तो आबू राज जरे ब्रह्म खाड़ ने मैं पढ़िया पण ते मैं जो ने तीन भाग जमीन में ज्ञान पुकार की दी शिव जी ने याद किया कि मुँह प्यार में जाते रहो तो महादेव जी पगरा ऊंटारे माते नदर राखियो जब पहली आबू रे माते आबू इसले सर महादेव जी स्थान हुआ पसे बाकी 33 करोड़ दे तो अपन पहली आबू इसले सर हुआ। अरे तो जरे कहे हैं पर
सपन पियाले आबू सोवनो शंकर पेड़ी छड़िया वारी वारी आबू धामने नायो प्राक्षत झड़िया टूके टूके आबू केत की झरने अमीरस भरिया अरे वारी वारी आबू धामने नायो प्राक्षत झड़िया गंगा जमुना आबू गोमती नक्की माय निर्मल भरिया वारी वारी आबू धामने नायो प्राक्षत झड़िया उसा असल गड़ेला मालिया देव मने 33 करोड़ मलिया वारी वारी आबू धामने नाय प्राक्षत झड़िया दोरी घणी दता टेकरी वटे ऋषि मुनि जन सड़िया वारी वारी आबू धामने एक नाय प्राक्षत झड़िया प्राग नाथ आबू परसी हो तो पसे गुरु दिया नाथ मलिया वारी वारी आबू धामने जो नाय प्राक्षत झड़िया मटियारे श्री धर्म रोए वीर हमारे पसम धरम ने विराजो जे झीणी झीणी उड़े रे लाल हमारे अरे झीणी झीणी उड़े अंबावजी कने दोता शहर है दोता में पहली राजा एक दोते दरबार बूढ़ा है तो दोते दरबार संतारा भावी कता तो एक सेवीदास जी करेन महाराज संत था वे सेवीदास जी महाराज फिरता फिरता है जो दोते शहर गया दोता शहर में गया तो दरबार दोते दरबार संतारा साधुरा भाविक था अब वे सेवीदास जी महाराज है तो दोता शहर में आया तो दरबार जी के कुछ संत जा रिया है और एक आदमी आप दरबार है भेजियो कि भाई महाराज ने अपने दरबार में बुलाओ महाराज एक दिन ठहरिया उठे महाराज री शांत वर्ती और शीलर वर्ती रा महाराज ने देखिया दरबार की और संत तो अपने अठे रोजी न कोई आवता ही रहे पर महाराज जी वीरती ठीक है बड़ा संतोषी है महाराज एक दिन ठहरिया बीजे दिन सेवीदास जी महाराज उठाओ रवाना हुआ तो दरबार महाराज ने कहो महाराज एक दो दिन और ठहरो महाराज सेवीदास जी कह रहे राजन ठहरो तो खरा पर मारे में एक दो दिन में शत्रुमास बेवा वालो है जो कटी 4 महीना एक जगह आसन करूं एड़ा कोई भक्त मले आगे जाऊं कोई देखूं भक्त एक टाइम मने भोजन करावे सेवा करे एड़ा कोई संत वे तो आगे जाए मारे 4 महीना आए तो कोई एक जगह आसन राखो दोता दरबार दोते दरबार की महाराज मुई आपरो भावी कोई छू पर मु संतारी सेवा करनी साऊं सो आप अटी शत्रुमास पूरो करो तो महाराज सेवीदास जी देखियो रे राजा है अनारे सहजे जको घर में शीज तैयार है ए पण सेवा उठावणी सावे तो अपने अटी आसन करनो ठीक है तो महाराज सेवीदास जी दोते दरबार उठे समाचो कीधो दरबार रे श्यार कवर हता पोछो जी वजो जी नारण जी
और पोछो जी वजो जी रूप जी ने नारायण जी श्यार कौर राजा रे था। अब दरबार श्यारी कौर ने लेकिन महाराज ने हूं पिया महाराज श्यारी कौर भगवान राय ना आप रही जे आप श्यार मिनाटे छमासो पूरो करो त्रियाणा ने अच्छी तरह पढ़ाई कराओ कैडी खटकर्मरी पढ़ाई धार्मिक ध्यान है स्नान है दान है तप है यज्ञ अनारी विधि है जो अच्छी तरह ने आप समझाओ। तो महाराज श्यार मीना दर्द होते दरबार उठे समाचो कि श्यारी कवर महाराज रखने रोजी ना टेमो टेम आप फड़ाई करे यू करता है महाराज समाचो पूरो हुआ फिर सेविदास जी महाराज दरबार ने क्यों राजन हमें मैं एक थोड़ा नहीं रहा मैं मारे जो को कटी तीर्थ यात्रा में जाऊँ क्योंकि संत एक जगह पड़ियो रहना ठीक नहीं है। वेता नीर नर्मला पड़िया गंदीला होए साधु रमता भला जारे दाग न लागे कोए। अब ये श्यारी कवर है जो विचार किधर महाराज तीर्थ करवा जा रिया है और महाराज अपने श्यार मीना पढ़ाई कराई है अपने मन्नत बनाई है तो गुरु महाराज ने अपनी सेवा नहीं उठाई जो थोड़ा दिन है जो महाराज रे हाथे जा तो ठीक है तो अपनो फर्ज पूरा हो। वे श्यारे राजा रा कवर है जो दौते दरबार रे आगे जाए हाथ जोड़िया है कि आप रो हुकुम वे तो मैं सेविदास जी महाराज मारे गुरु महाराज हाथे श्यार मीना तीर्थ यात्रा करी ना हो। तो दरबार बड़ी खुशी थी कि जाओ भाई महाराज री सेवा उठाओ जो महाराज रा हुक्म में रह जाओ और आवे तो महाराज ने पाचा लेने आज नितर थी वेगा। अब श्यारे वे दरबार रा कवर ने महाराज सेविदास जी पहुंची गुरु से लौटा रवाने हुआ है। तो वह तो घना थोड़ा दिन हुआ है दिल्ली पहुंची है सेविदास जी महाराज रे एक नियम हो कि हाँ जरा रोज हाँ बेटी जरे आप पड़े अगतारो राखता एक तार रो वो एक तारो लेन रोज महाराज श्यार भजन तो सेविदास जी महाराज ने हाँ जरा गावने पड़ता साहे कटी गांव में ठहरो कोई भगतरे बटे ठहरो साहे भले जंगल में जरो पर श्यार भजन तो महाराज ने गावने पड़ता। और वे दरबार का बेटा श्यार ही है तो महाराज रखने श्यार महीना चौमा सो पूरा हुआ तेरे पाड़े मजीरा विजा वजावना करवा वाकफ भी गया पाड़े राग करनी भजन गावना वाकफ हुआ करो। ए मैं गुरु से लो पहुंची जना फिरता फिरता दिल्ली पहुंचिया है दिल्ली शहर बारे जो दन अस्त हुआ बटे आप जाए आप रहे सामान मिले पढ़ाओ की दो है शहर थी बारे तो उन दिन बास तारे कहूँ ईद थी ईद रो दिन तो जो बास तारी वो वड़गोड़ो निकली उठो तो महाराज सेविदास से कोई ज्ञान सरसा करता था श्यारी भाई एक सित्तु वे महाराज ज्ञान हमड़ता था ने के बास तारी सवारी निकली ने वड़गोड़ो दावा दीव भगवान के वे तीन जना तो बराबर महाराज री बात में सित लागोड़ो और एक पोछो जी नाम रो भाई था जो बना रो सित लागो बन वाजा रे था क्यों बास तार वाजा वाजे ना सेविदास जी महाराज विचार की दोरी अन तीन जना ने मैं श्यार मीना श्यारों ने पढ़ाई करी पर तीनों ने तो कोई ज्ञान लागो है पर पोछा रे ज्ञान नहीं लागो। पोछो जी थोड़ी दूर तो बैठे बैठे हम लिया पसे जो वे मन भीड़ देखी मन मन को भेड़ा जाता रिया धन हस्त भुवन शहर में गया। ए मैं महाराज सेविदास जी बात करता करता जटवन तीन भाई बैठा था उन्होंने पूछी रही थी तीन जना बैठा वो भाई छो थोड़ा पसो कटे के बाबा जी कांटा शहर में गी हुई तो रो आवी देखो दिल्ली शहर देखो गी हुई तो रो आवी और आज भी इन भजन गावाई टाइम वो श्यार भजन गाया फिर गुरु महाराज सेविदास जी पूछे भाई पसो नहीं आयो खे बाबा जी रो आवी नहीं आई तो हवार रो आवे हवार हुई महाराज पूछे रे चोरा पसो नहीं आयो के बाबा जी नहीं बने तीर्थ करना नहीं लगी आई तो पासो गिर अपने कन्नी चिंता करो। अब वे तीन तो दरबार रा कवर ने चौथा गुरु महाराज बटा रवाने हुआ पोछा जी कहा हुआ कि बासता रहेंगे आपरा हाथी घोड़ा बीजा सब ठाइए बांधिए नौकर आप जगह माते जाए उबा रिया पोछो जी बासता रहा वो दरबार है आगे बैठे दिन हाथ में रफ रहे पूछिए अरे कौन है तो कि मैं राजपूत हूँ अटे तो कि मारे नौकर रहना है पोसे ही जानिए कि श्यार मीना महाराज ने खटकर्मी पढ़ाई की दी है ज्ञान तो हमें है ही जे पर बासता रो कारखाना देखी तो अल्लाह ही कारखाना है तो भगवान रो इधर ही खानो जाने चको के मारे टे नौकर रहनो है तो ये आदमी कर भाई नौकरी करनी वे तो टे बासता रहते जगह घनी ही रहवाने पोसो जी उठे कटी पोरा हो रहा माते नौकर रिया मेरा ए मैं जो गुरु महाराज ने तीन ही भाई है तो जो गया हरिद्वार ने गया बद्री ने गया प्रयाग ने यूं जो श्यार मीना तीर्थ घाट माते फिरता रिया श्यार मीना तीर्थ करें पासा है फिरता फिरता दिल्ली आया दिल्ली वनी जाता रही वक्त पढ़ाओ की दो वन जगह जाओ इन पासो पढ़ाओ की दो और रात्रि टाइम हुई नुनार तो वो भजन गावा टाइम हुआ भजन गावा ढूंढा अटिन पोछा जी रे वो नौकरी पर फौरो उतरियो पोछा जी की राग हम लिया तो मारा भाई और मारा गुरु महाराज री राग है पोछा जी बेटा आया है
आवीने आपरा गुरु महाराज ने नमस्कार करी, आपरा भाइयों ने मिलिया, फिर बैठा महाराज गुरु सेविदास जी पूछी रे पासा तू जिद्दू को उठी जे नहीं तो मारे हाथे तीर्थ करवायो नहीं तू गिरी गियो के बाजी गिरी नहीं गियो तो मुँह तो अटे जू के अटे के मुँह बास्ता रेटे नौकरी करूँ भला ठीक है बास्ता रेटे नौकरी करे जर मारे हाथे आई तो तीर्थ करे ना आवत अच्छा अच्छा ऋषि महात्मा रा दर्शन करत वटे पवित्र भूमि है वटे जावा थी अपनो मन शुद्ध वे और तू अटे जियो के बाबूजी तीर्थ माते ने बीजे कहा धरियो तो अटे कहा देखियो अटे तो बाबूजी आप बास्तार जो कारखानो देखी हो तो अल्लाह ही कारखानो है एडो कहा है रे पोसा बास्तार अटे के बाबूजी बास्तार अटे तो आप एक जाजम करी देखी हुए तो क्या जाजम बनी है तो एड़ी कड़ी है जाजम भाई के बाबूजी देखी बने आवे जाजम तो देखी बने आवे तो ठीक भाई वही बास तारी जाजम तो फौरी क्यों वे अरे पोसा कहा पसे बात जाजम वसावनी पड़े क्या बाबूजी वसावनी पड़े न होवटनी पड़े मेली वे तो धोवनी पड़े नपरी उपटे तो वन पासी रंगावनी पड़े फाटे तो हेवाकारी करना पड़े तो के भैया जाजम काशी पोसा कहा अपना धनी री जाजम से देखिए काला थे बास तारी जाजम देखी अपना धनी री जाजम नहीं देखी थे के ना बाबूजी अपना धनी री जाजम कड़ी मैं नहीं देखी तो सेविदास जी महाराज के देख पसा सेविदाची कह रे पोसा अपना धनी री जाजम थे नहीं देखी के ना महाराज मुँह नहीं जानो तो देख पोसा आसमान तंबू गरी मेर थंबा नहीं अपना धनी री जाजम है धराशरी की जाजम राज रे रंक राव ठकराई ए पोसा धरती माता है अपना धनी री जाजम है राजा न रंक ने फकीर ने वास्ता न अमीर ने गरीब सब अन्य माते है भले हाथ हवा हाथरो गिद्रो प्रो लगावे तो रे अन्य माते अदर करने नहीं रहता धराशरी की जाजम राज रे रंग राव ठकराई ज्यारा धागा कबू इन टूटे भीने जी बहुत सवाई ए पोसा धन माता अपना धनी री जाजम है अन्य कदे मायती धागो नहीं टूटे और चार महीना छमा सारी परी भीने जर देख अन्य माते बहुत खले धराशरी की जाजम राज रे रंग राव ठकराई ज्यारा धागा कबू इन टूटे भीने जी बहुत सवाई रे पोसा गले देखो नरकासा ए पोसा जी जो संसार में गले वैसी जो काछी है हर पूरी पास ताई पोसा पूरी पास ताई या तुम बास तारी पास ताई या पूरी नहीं है हरीरी अपना धनी री पास ताई वा पूरी है हर पूरी पास ताई रे पोसा गले जो को नरकासा बत्ती जय नारायण हरि पण पाछी बास तार वटे तंबू एक जोरदार है क्यों करो पोसा जी रे तो मन वटे लागोड़ो महाराज तो हुदी मने उपदेश करे पर पोसा जी रो मन तो बास तार वटे नौकरी की दूर जो वोज देखी जे के बाबा जी अपना धनी री जाजम तो वत्ती जे पर बास तार वटे बाबा जी तंबू एक जबरदस्त है तो कहड़ो तंबू भाई के बाबा जी एक तंबू रे में 2000 मनुख बैठ सके
अत्रो मोटो तंबू है माए चार पारे दरवाजा लागोड़ा माए जो कबाट अलमारियां लागोड़ी वे भाई बाजतारो तंबू है वो कम क्यों वे पण पोछा अपना धनी रो तंबू तू जाने ना भाव से मुनी जाण तो फिर गुरु महाराज के सेविदास जी महाराज कह रही पोछा तू बाजतारा तंबूरा वखाण करे पण अपना धनी रो तंबू देख आसमान तंबू गरी मेर थंबा ओ आकाश है आसमान देखी जे अपना धनी रो मोटो तंबू है संसार में जितरा तंबू है इतना हैंग अन्ने मैं अपना ऊपर कोई तंबू ताड़ी देवे तो बताओ और जन जन ताड़ी उन जन ताड़ी तो जी को हम तुम्हारो काम के कटे आगो पास हरकावर काम नहीं है ना अन्नी डोरा कटे खेचनी है कोई दिल्ली आती करनी है आसमान तंबू गिरी मेर थम्बा सत की डोर लगाई अष्ट कड़ी पर्वत खूंटा रोपिया खंसी खंसे ना काई रे पोसा हर पूरी पास ताई ए पोसा पूरी पास ताई तो हरीरी है गले जको नर जग में कासा पोसा हर पूरी पास ताई ए पोसा जो नासवान सीजा गले वण रख वखण करना है खे भाव जी ओ अपना धनी रो तंबू तो वित से तो जर कला थे बास सारा तंबू ने टी तू बैठो रियो मारे हाथे आई अभी तो तीर्थ यात्रा करने आवे और ये जो अच्छी पवित्र भूमि थी बड़े जावा थी अपना मन शुद्ध वे खे भाव जी आप कोज को ठीक ही जे पण बास सारा टे वाजा जोर रहा है केड़ा वाजा है भाव जी सती से वाजा कहे तो बास सारा टे तैयार है वे भाई बास सारा वाजा है पण बास सारा तो वे के पण अपना धनी का वाजा तू जाने पोसा भाव जी मुनी जानतो तो देख पोसा इंदर प्रदान पवन पाकरियो रथ पर करे सड़ाई जरे श्रावण भाद्रो आयोड़ो वे इंदर तो अपना धनी रे प्रदान है और पवन आगे पाखरियो है इंदर प्रदान पवन पाकरियो रथ पर करे सड़ाई आवतड़ो नर गेरो गाजे न वरता घणी नरमाई आई जरे गाज न मोड़े जरे उठे बीजा वाजा नहीं सलाई आवतड़ो नर गेरो गाजे वरता घणी नरमाई पोसा हर पूरी पास ताई रे पोसा गले जको नर कासा खे वाव सी हाँ ये बाजा तो अपना धनी रे तो बताई तो जरे कला थे देखी कौन तो पण पोसा जी तो वो जीव बास तारे वटे देखी उड़े जको वटी नहीं जो मन जाए के बाबू जी ये तो एम ठीक है अपना धनी रे तो सीजो वती जे पण बास तारे अटे रसोड़ो जोरदार है केड़ो के बाबू जी बास तारे अटे कतरा मन रसोड़े जी में अण गणती रा ठीक पसे अतरा मनक जी में कोई जीमी अनि जीमी आ रही कोई वन्नी भगत वे के बाबू जी कहो पता लागे बेटे हूं आत्मीय उसमें कई जी में कई है जी रे भाई पाजी भगत नहीं करे कौन जी मन कौन नहीं जीवन नगे नहीं करे तो भाई रसोड़ो खानो तो पोल खानो है तो अपना धनी रो रसोड़ो तू जाने के ना जर काला देख तो गुरु महाराज सेवी जाति के पोछा अपना धनी रो रसोड़ो है सालू है जितने बासता रसोड़ो हाले अपना धनी री जो मनोरी फरे तो काले बासता रसोड़ो तो बंद भी जाए
अलग रसोड़े कुमेर भंडारी ए पसा अपने धनीरो रसोड़ा बटे कुमेर जी महाराज भंडारी जी कुमेरा भंडार बटे कानी कमी अलग रसोड़े कुमेर भंडारी सबकी आस पुराई कीड़ी कुंजर ने वरो पूर्वे भूल भ्रम ना कायरे पोसा हर पूरी पास थाई अपना धनी रे बटे भूल भ्रम नहीं है के बटे बटे पोत पैरो नहीं है कीड़ी ने कण ने हाथी ने मन टेमो टेम पूरे कीड़ी कुंजर ने वरो पूर्वे भूल भ्रम ना काई पोसा हर पूरी पास थाई रे पोसा गले जको नरकासा हम पोसा रे मन देखी रे बात के महाराज जको ठीक है जको कुदरती सीजा है अपना धनी री वे तो वित्ती से मूण नकली सीजन में पड़ियो पण भले एक तो मन देखे को ज्ञान रूपी है महाराज के वो ठीक है एक भले वो बादशाह वालों बटे नौकरी की दुड़ी वो दिए हाँ बावसी बीजे तो हैं अपना धनी रे सीजन तो वित्ती जे पण बादशाह रो हुकुम जोर सीजन में पड़ियो पण भले एक तो मन देखे को ज्ञान रूपी है महाराज के वो ठीक है एक भले वो बादशाह वालों बटे नौकरी की दुड़ी वो दिए हाँ बावसी बीजे तो हैं अपना धनी रे सीजन तो वित्ती जे पण वास्ता रो हुकुम जोरदार आले तो केड़ो हुकुम आले के वास्ता कहे कने कोई गुनो करे तो जाओ फलाणा जोरदार कर लाओ कने सजा दिए कने जेल दिए कने फांसी दिए वही भाई के वास्ता रो हुकुम तो मुझे भेज के अपना धनी रो हुकुम थन ठाए के ना बाबूजी मने ठा नहीं तो देख पासा वास्ता रो हुकुम वेन जो धकलो नहीं प्रो जाए तो मने लार दौड़ने पड़े पकड़ावे पकड़ावे नहीं अपना धनी रो हुकुम हुआ पछे वो कटी फरार नहीं वे के और बादशाह रहते तो पुलिस के कोई सवार है अपना धनी रे बेटे यम दूत है तो पता करने फराड हरार नहीं बीवा दिया जमो सरी का ऐदी राज रे आप तो ढील न कई उन्होंने हुकुम करना उन गिरना हद जुए जमो सरी का ऐदी राज रे आप तो ढील न कई जाता जीव ने कने नहीं देखी खबर वेदिए नहीं पाई हाँ जाता जीव ने पता बेटे कोई आड़ा नहीं बढ़े जाता जीव ने कने नहीं देखी खबर वेदिए नहीं पाई रे पौसा हर पूरी पास ताई पौसा गले जो नरकासा
राम जी, काठियावाड़ में, काठियावाड़ में वीरपुर गांव में वीरपुर गांव रे मैं जलाराम भक्त बोला जलन वणा रे एड़ो एक नियम लीधोड़ो तो के कोई द्वार माते संत आवता ओपी तो बोले हासा संत आई आवे तो कोई वे पाकंडी फिरता रे पण वणा रे एड़ो नियम तो कोई भी बोले वागरी साधु रो रूप करेंद्र आवे तो वे मंती जानता को अपने घरे भगवान आई आया एड़ो वणा रे नियम लीधोड़ो तो मन गोमरा वीरपुर गोमरा मन कहता के भाई मन काला है हां एटीटी थी मजदूरी करें दोणा लावे जितरे कोई साधु आयो तो मने नहीं दिया है तो भूखे मरते ज बैठे तो यूं करता करता एक दिन भगवान है क्योंकि वने द्वारा माते ज्यादा साधु आवा ढूंढ जर वने कदी घर में कोई नहीं वेजर वने दुख वे तो भगवान साधु रो रूप बनावे शरीर रे माते कोरी भस्मी लगाई होड़ी आका शरीर रे तो भस्मी भभूति कोरी राख लगाई होड़ी एक लंगोटी पहरवाने ने धोतियारो आधे एक धोतियारो टकड़ू जनी जोड़ी बनाई धोतियारा टकड़ा रे सियारी पल्ले गोटो देबरी ने खवा में जोड़ी गाली जोड़ी कदी ठेर गोड़ो थी नीसी लड़ गई ने आदरे में वदा वना घड़ियोड़ एक धोको अपने तो अटे काम के मसादू महात्मा रात में राखे ने घूटो के ने बेटे गुजरात में के धोको तो भगवान डींगो शरीर था डींगा ने कोई अंशी हो वर्रा वेजड़ा शरीर गाबड़ी ना हाथ ने डील हैं दूजे ने आ धवड़ी धवड़ी लंबी लंबी दाढ़ी आयोड़ी आर भगवान है जिको बटे साधु रूप करें जलाराम बापूरे बटे आया तो आते ही अलग जगह जलाराम और वीर भाई लोग दो ही लोग लुगाई आया और भगवान रे हम देखियो जलाराम के सदी साधु आवे पर आज खास भगवान आज आई है मन में तो ओढ़ किया मैंने तो अब जलाराम भगवान ने कहे कालजुनी कायनी धोली धोली डाडनी कालजुनी कायनी धोली धोली डाडनी आख वे झूले झोलिए तो भारी रे जो भीड़ो आयो जा खवे झूले झोली एक भारी रे जोगीड़ो आयो जातवारे भभूती नो भोगी वावे वाली से लंगोटी भभूती नो में आत्मनी खुमारी रे अलग धनी ओ लिया रे जी आकड़ी में आत्मनी